हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे गणेश चतुर्थी स्पेशल बिल्कुल पारंपरिक और स्वादिष्ट मोदक। मोदक बनाने के लिए यहाँ मैंने एक नारियल को तोड़ लिया था और अब हम इस तरीके से चाकू से बिल्कुल छोटे छोटे पीस इसके कट कर लेंगे। यहाँ मैंने इसे छिलके समेत बिल्कुल छोटे पीस में कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और इसे ये देखिए, यहाँ मैंने अच्छे से कट कर लिया है। और अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे। यहाँ मैंने छोटे वाले जार का यूज़ किया है और अब हम इसमें सारे नारियल के पीसेस को ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे अच्छे से भर लेंगे। हमें इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ मैं नारियल को पीस करके इसका यूज़ करूँगी। आप चाहे तो नारियल को कद्दूकस भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने ग्राइंडिंग जार में नारियल को अच्छे से भर दिया है। और अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। और देखिए, नारियल हमारा रेडी हो गया है। और अब हम एक बर्तन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और अब हम इसमें नाप करके 2 कटोरी पानी डालेंगे। यहाँ मैंने कटोरी का यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी कप या गिलास का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने नाप करके इसमें 2 कटोरी पानी डाल दिया है। और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें उबाल आने देंगे। पानी गर्म हो गया है और अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से मोदक आपके बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनेंगे। घी डाल करके हम हाई फ्लेम पे ही पानी में इसे अच्छे से मिलाते हुए घी को पानी के साथ गर्म कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, पानी को गर्म होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। पानी अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें यहाँ मैंने घी को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है और पानी अच्छी तरह बॉईल हो रहा है। और अब हम इसमें सेम कटोरी से ही 1.5 कटोरी नाप करके चावल का आटा डालेंगे। इस टाइम गैस का फ्लेम स्लो या मीडियम कर देंगे और अब हम इसे चम्मच से अच्छे से चलाते हुए आटे को मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, आटा हमारे पानी में अच्छे से मिक्स हो गया है और पानी भी हमारा काफ़ी अच्छे से आटा ने सोख लिया है। हम इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। डो को हम चम्मच से अच्छी तरीके से मिला लेंगे या मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। डो जब तक हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई को हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने देंगे। और आप देख सकते हैं, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालकर हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। और आप देख सकते हैं, घी हमारा मेल्ट हो गया है। इसका मतलब है कि घी हमारा गर्म हो गया है। और अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए या पिसे हुए नारियल डालेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सारे नारियल को अच्छे से डाल दिया है। गैस का फ्लेम इस टाइम पे मीडियम रखेंगे। और अब हम इसमें 1/4 कप गुड़ डालेंगे। और अब हम नारियल को गुड़ के साथ अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैं इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर ले रही हूँ। और आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा और गुड़ ऐड कर दिया है। और गुड़ डालकर अब हम इसे फिर से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। यहाँ मुझे मीठा कम लग रहा था, इसलिए यहाँ मैंने और गुड़ का यूज़ किया है। आप चाहे तो गुड़ की जगह चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, स्टफिंग हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया। और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 2 कुटी हुई इलायची डालेंगे और 1 से 2 चम्मच हम इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल का फ्लेवर मोदक में बहुत ही अच्छा लगता है। तिल की जगह आप इसमें पोस्तूदाना या पॉपी सीड का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने तिल डाल करके इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लिया है। और मोदक बनाने के लिए हमारा स्टफिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा नारियल भी अच्छी तरीके से भुन गया है और गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और स्टफिंग हमारा ठंडा हो रहा है। तब तक हम अपना डो देख लेते हैं। और आप देख सकते हैं, डो को यहाँ मैंने प्लेट में निकाल करके इसे फैला दिया था। और ये देखिए, डो हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। हम इस तरीके से इसे हल्के हाथों से चेक कर लेंगे। और अब हम इसे हल्के हाथों से दबाते हुए इसे अच्छे से गूंद लेंगे या चिकना कर लेंगे।
और डो अगर आपको ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हाथों से अच्छे से मसलते हुए हम इसे बहुत ही अच्छे से गूंद लेंगे, जिससे हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट बनेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे अच्छे से मसलते हुए गूंद लिया है और डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम इसका मोदक बनाने के लिए डो लेंगे और हम इस तरीके से हाथों से इसे गोल कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने डो का अच्छा सा पेड़ा बना लिया है। और अब हम इसे दोनों हाथ से अच्छे से दबाते हुए किनारे को पतला कर लेंगे। और अब हम इसे कटोरी का शेप में अच्छे से दबाते हुए कटोरी बना लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे दोनों हाथ से दबाते हुए इसका कटोरी बना लिया है। और अब हम इसके किनारे को इस तरीके से दोनों हाथों से चिपका लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। और अब हम बीच में स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डालकर हम इसे चम्मच से अच्छे से एक बार प्रेस कर लेंगे। और अब हम इसके साइड को हल्के हाथों से दबाते हुए बीच में इकट्ठा कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने जिस तरीके से वीडियो में बनाया है, आप सेम तरीके से बिना स्टैंड के इस तरीके से मोदक बना सकते हैं। और आप देखिए हमारा मोदक बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसे सांचे में बनाएंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा डो लेंगे, डो को मोदक बनाने वाले सांचे में रखेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मोदक के सांचे को ऑयल रेडी घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। और अब हम सांचे को इस तरीके से बंद करेंगे और इसे हल्के हाथों से हम प्रेस कर लेंगे, जिससे बीच में इसका होल हो जाएगा। और अब हम इसके साइड को निकाल लेंगे। और अब हम इसके बीच में स्टफिंग डालेंगे। आप चाहे तो स्टफिंग को चम्मच या हाथ से भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे स्टफिंग डालकर अच्छे से फील कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर वाले भाग में थोड़ा सा डो लेंगे और डो से हम इसे प्रेस करते हुए अच्छे से बंद कर देंगे, जिससे स्टफिंग हमारा बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा और दिखेगा भी नहीं। और अब हम इस तरीके से फ्रेम को खोल देंगे। और आप देख सकते हैं हमारा दोनों मोदक बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनके तैयार हो गया है। और सेम तरीके से यहाँ मैंने दूसरा मोदक भी बना लिया था। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे मोदक बना के तैयार कर लिए हैं। और अब हम इसे स्टीम करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने एक बर्तन में 2 ग्लास पानी डाली हूँ और 2 नींबू के स्लाइस डाली हूँ, जिससे पानी से हमारा बर्तन बिल्कुल भी काला नहीं होगा। और मोदक को स्टीम करने के लिए हम स्टीम स्टैंड को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है और पानी हमारा गर्म हो गया है। हम इस स्टैंड के ऊपर एक एक करके सारे मोदक को रखेंगे, जिससे मोदक हमारे बढ़िया से स्टीम होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे मोदक को अच्छे से स्टीम में डाल दिया है। और अब हम इसे ढक करके मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने रखेंगे। और आप देख सकते हैं 15 मिनट हो गए हैं, मोदक हमारे अच्छे से स्टीम हो गया है। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और आप देख सकते हैं मोदक हमारे बढ़िया से स्टीम हो गए हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गए हैं। और चलिए अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। हम इसे चम्मच से एक एक करके सारे मोदक को प्लेट में सर्व कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे प्लेट में अच्छी तरीके से सर्व कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे अच्छे से घी लगा दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट या केसर का टीका भी लगा सकते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी आप इस तरीके से बिल्कुल मिनटों में बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट मोदक बना के तैयार करें। और अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।